भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपने सबसे बुरे वक्त से जूझ रहा है। सबसे बुरे वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के पास फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने के ऑप्शन धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन अभी उसके पास एक उम्मीद की किरण बाकी है। पाकिस्तान को इस बदहाली से निकलने के लिए सोना काम आ सकता है। हम पाकिस्तान के कोल रिजर्व की बात नहीं कर रहे, बल्कि हमारा इशारा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद सोने की खदानों की ओर है। बदहाली की कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान की इकोनॉमी को देश में मौजूद सोने तांबे की खदानें उबार सकती हैं। बलूचिस्तान में मौजूद इन खदानों में सैकड़ों टन सोना भरा पड़ा है। सोने तांबे के विशाल भंडार का दोहन पाकिस्तान को आर्थिक बदहाली से निकाल सकता है, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट या बयान सामने नहीं आया है। लेकिन अगर पाकिस्तान भी इस ओर सोचे तो अंत होने की स्थिति से निकल सकता है। हम बात कर रहे हैं इन खदानों में मौजूद स्वर्ण भंडार की। इस प्रांत में स्थित रेको दिक माइन दुनिया की सबसे बड़ी सोने और तांबे की खानों में से एक है, और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रही है, और वो राहत पैकेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड समेत अन्य देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान सरकार के पास इस खदान के रूप में एक महत्वपूर्ण असेट है। इसमें करोड़ों टन सोने तांबे का भंडार मौजूद है। रेको दिक खान बलूचिस्तान के चगई जिले में रेको दिक कस्बे के पास ही स्थित है। पाकिस्तान की इस खदान में दबा है सोने का भंडार। पाकिस्तान की इस खदान में सबसे बड़ा तांबे और सोने का भंडार है। एक अनुमान के अनुसार इसमें करीब 590 करोड़ टन का खनिज भंडार है। एक्सपर्ट की माने तो प्रति टन खनिज भंडार में करीब 0.22 ग्राम सोना और करीब 0.41% तांबा मिल सकता है। ये खान ईरान और अफगानिस्तान की सीमा के पास एक सुप्त ज्वालामुखी के पास है। पाकिस्तान सरकार अरबों डॉलरों की संपदा वाली इस सोने और तांबे की खान से अपनी अर्थव्यवस्था को मदद पहुंचा सकता है। बलूचिस्तान का इलाका है सबसे अमीर। बलूचिस्तान वो हिस्सा है जो प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से काफ़ी समृद्ध है। इस हिस्से में इतना सोना है जो पाकिस्तान की गरीबी को दूर कर सकता है। साल 1995 में रेको दिक में पहली बार खुदाई की गई थी। पहले चार महीने में यहाँ से 200 किलोग्राम सोना और 1700 टन तांबा निकाला गया। उस समय एक्सपर्ट्स ने उम्मीद जताई थी कि खान में 40 करोड़ टन सोना मौजूद हो सकता है। इस खदान में मौजूद सोने की अनुमानित कीमत करीब $2 ट्रिलियन बताई गई है। एक रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान की रेको दिक दुनिया में सबसे बड़े अविकसित तांबे और सोने के भंडार में से एक है। 2 लाख टन तांबे और 2.5 लाख और सोने का उत्पादन करने में सक्षम है। खनन परियोजना को 2011 में निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने बैरिक और एंटोफागास्टा PLC को रेको दिक विकसित करने के लिए एक लाइसेंस देने से इनकार कर दिया था। तब से लेकर ये विवाद जारी है। खदान को लेकर चर्चाओं का बाजार काफ़ी गर्म है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी दिखाए जाने के बाद बीते साल दिसंबर 2022 में बलूचिस्तान में अरबों डॉलर की विवादित रेको दिक कॉपर एंड गोल्ड माइन प्रोजेक्ट को लेकर बीते साल 2022 को PM शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इससे कैबिनेट ने रेको दिक प्रोजेक्ट की फंडिंग योजना को मंजूरी दे दी गई थी। इस प्रोजेक्ट के मूल समझौते पर 2006 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें कनाडा की बैरिक गोल्ड और चिली की एंटोफागास्टा कंपनी दोनों को बराबर बराबर 37.5% हिस्सेदारी तय की गई थी, जबकि बलूचिस्तान सरकार को 25% हिस्सेदारी मिली थी। नए समझौते के तहत परियोजना में बलूचिस्तान को 25% और अन्य को 25% हिस्सेदारी मिलेगी।